अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज जी बड़े ही अरसे के बाद मैं दोबारा से एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। मेरी बेटी की बर्थडे थी और उसके लिए मैंने ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाई थी। केक भी घर पे ही बनाया था और बहुत मज़े का बना था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम केक से। जो चीज़ें केक के लिए चाहिए हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब एक बाउल के अंदर मैंने दो अंडे लिए हैं और साथ ही इसके अंदर शुगर ऐड कर दिया है। 250 ग्राम शुगर है, कैस्टर शुगर है, अच्छे से बीट कर लेंगे। सिंपल रेसिपी है केक की, ये भी मैंने यूट्यूब से देख के तो बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। दोनों चीज़ें अच्छे से बीट हो जाएंगी तो आधा कप ऑयल डाल के फिर से बीट करना है अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद जी ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, जिसमें कि मैदा है, मेरे पास 225 ग्राम, कोको पाउडर है 40 ग्राम, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सब चीज़ों को छान के हमने डालना है। मेक श्योर के सब चीज़ें जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं है ना तो कभी भी आपका केक अच्छा और स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अच्छा जी, ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के फिर मैंने हल्की स्लो स्पीड पे इसको बीट किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर दही डाला है। दही डालने के बाद इसको फिर हल्के हाथ से बीट करेंगे। साइड्स जो हैं वो स्पैचुला से साफ करते जाएं, अच्छे से बीट कर लेंगे। अब जी इसके अंदर पानी डालेंगे, 3/4 कप पानी है, हल्का सा नीम गर्म करके मैंने डाला है। बिल्कुल स्लो स्पीड पे हम बीटर चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारा पानी जो है ना उसके बैटर के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। बस जी इस बैटर को हमने 2 पैन के अंदर शिफ्ट करना है। 7x7 के पैन है मेरे पास, राउंड पैन है, उनको मैंने ग्रीस करके तो हीट लगा के रखा हुआ था। तो इनको हम बेक करेंगे इस केक को 180 डिग्री पे, मैक्सिमम मैक्सिमम 25 से 30 मिनट तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे केक रेडी हो गए हैं। ये देखें, 4 केक मैंने बनाए हैं टोटल, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए थी केक की, इसलिए मैंने 4 केक बनाए हैं। केक की फ्रॉस्टिंग मैंने जो है वो फ्रेश क्रीम से की थी, विपी विप की क्रीम ली थी और थोड़ा सा उसको विप किया था ना, एकदम से इतनी राइज हो गई थी, बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त क्रीम है। ठीक है, पहले हम केक की एक लेयर बिछाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप हमने डाला है ताकि केक जो है ना मॉइस्ट रहे, सूखा सूखा सा ना बने। उसके ऊपर मैंने क्रीम सारी लगा दी, फिर उसके बाद ओरियो बिस्किट जो है वो बिल्कुल क्रश करके तो स्प्रिंकल कर दिए थे। उसके बाद सेकेंड लेयर भी एज इट इज़ लगाएंगे। और जनाब ये देखें, करीम इतनी को कमाल की है ना, मज़ा आ गया है, कोई शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस जी इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बीटर से हमने ना थोड़ा सा विप करना है, एकदम से राइज हो जाती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड लेयर में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी ऐड किया है। इसी तरीके से 1x1 करके हमने लेयर्स लगा दी हैं। और लास्ट में ये देखें जी केक की डेकोरेशन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्लासी केक बना था। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह केक रेडी हो गया था। इसको ठंडे करने के लिए वो मैंने फ्रिज में डाल दिया था, सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लुक देख सकती हैं आप कितनी ज़बरदस्त आई है। सेकंड रेसिपी जी रेड सॉस पास्ता की थी। उसके लिए मैंने चिकन टिक्का पहले मैरिनेट किया, 1 किलो चिकन है, उसको हल्के क्यूब्स में कट कर लिया था छोटे छोटे। ठीक है, उसके अंदर टिक्का मसाला, गार्लिक पाउडर और ज़ीरा क्रश किया हुआ और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और थोड़ा ऑयल डाल के, तो इसको अच्छे से मिक्स करके हमने रख दिया था। आधा कप मैंने दही भी डाला था। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें और इसको चूल्हे पे चढ़ा दें, क्योंकि बस सिंपल हमें ये टिक्का चाहिए था। तो ये थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया था और इसको गलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था। दूसरी तरफ सॉस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए बटर मैंने लिया था 100 ग्राम, चार टेबल स्पून समझे बटर है, और इसके अंदर 4 टेबल स्पून ही मैंने भर के मैदा ऐड किया है। जितना बटर होगा उसी हिसाब से मैदा डालेंगे, मतलब अगर आपने 3 टेबल स्पून से बनाना है तो 3 टेबल स्पून ही आप मैदा ऐड करोगे। ठीक है, थोड़ा सा भून लेंगे,
ना भी भुने तो है रहे, लेकिन हल्का सा भून लें। भूनने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। जब भी पानी या दूध ऐड करेंगे, फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब जिसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, 2 कप पानी, एक सॉरी 1 कप पानी और साथ ही 2 कप दूध, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल लें, कुटी हुई मिर्चें, ओरिगेनो लीव्स, और ये है टोमेटो पेस्ट, 4 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट के मैंने ऐड किए थे, 8 टेबल स्पून मैंने टोमेटो केचप के ऐड किए हैं। टेबल स्पून के हिसाब से बता रही हूँ, इजी रहता है, ठीक है। सारी चीज़ें ऐड करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, सब चीज़ों को पहले। उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है और उसको हमने पका लेना है। जो भी हमारा ये रेड सॉस है ना, इसको हमने खूब अच्छे से पका लेना है, और जो हैंड बीटर है उससे हिलाते जाएंगे, और थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद बाकी काम होगा। ये देखें जी, काफ़ी थिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये ठंडा होके और ज़्यादा थिक हो जाएगा। बस चमचा चलाते जाना है, चमचा नहीं चलाएंगे ना तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती हैं, बिल्कुल पास्ता ना बर्बाद हो जाता है। बस इसका चमचा आपने चलाते जाना है। अब इसके अंदर जी प्याज क्यूब्स में कटा हुआ और शिमला मिर्च ऐड करेंगे, या आपकी मर्जी है, कम ऐड करने कम करें, ज़्यादा डाल लें ज़्यादा डाल लें, ठीक है। लास्ट में मैंने इसके अंदर चिकन जो हमने टिक्का बना के रखा था वो ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब जी इसके अंदर मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रखी थी, बस वो ऐड कर दिया, और कितना ज़बरदस्त और इतना मज़े का ये बना था ना, ओए होए, कमाल की चीज़ बनी थी। बस जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है, ठीक है। माशाल्लाह क्या कलर आया है। लास्ट में जी हमने बनाए थे डायनामाइट बर्गर, ठीक है, डायनामाइट चिकन बर्गर। इसके लिए मैरिनेशन में नमक, कुटी हुई मिर्चें, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, ओरिगेनो लीव्स, ये सब डाल के और सोया सॉस डाल के, तो इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। छोटे छोटे टाइनी से क्यूब्स आपने कर लेने हैं चिकन के। मैरिनेशन के बाद इसके अंदर मैंने चिकन के अंदर 2 अंडे डाले हैं और सादा मैदा, उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची और ओरिगैनो डाल के तो उसमें रोल कर लिया था, ठीक है। चिकन के एक एक क्यूब को उसके अंदर रोल करके तो फ्राई कर लिया। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा हमारा चिकन रेडी हो गया है। डायनामाइट सॉस बनाने के लिए जी मैंने मायोनीज के अंदर हॉट सॉस, टोमेटो केचप ऐड किया है, हॉट सॉस ऐड किया है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची, थोड़ा पेपरिका पाउडर और हल्का सा सॉल्ट, ठीक है। अब सारे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है ये सॉस के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ये बर्गर ना बहुत झटपट से बनने वाले हैं, सब चीज़ें बस ऐड कर दें और जनाब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बर्गर्स जो है वो मैंने सेक लिए थे बटर के साथ, और उसके बाद उसके अंदर मैंने वो पहले सलाद पत्ता लगाया है, उसके ऊपर ये वाला मिक्सचर रखा। मिक्सचर रखने के बाद इसके ऊपर हम चीज़ का स्लाइस रख देंगे और ज़बरदस्त सा हमारा बर्गर रेडी हो जाएगा। ये देखें जी सारे बर्गर सेक लिए थे, तो ये बेटी ने अंदर ही उसके चीज़ का स्लाइस भी लगा दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ना चिपक गया है, लेकिन है कोई बात नहीं है। अब एक साइड पे हमने सलाद पत्ता लगाना है। और इसके ऊपर हमने ये जो मिक्सचर बना के रखा था चिकन डायनामाइट का वो लगाएंगे, और सिंपल हम जो चीज़ वाला स्लाइस है ना वो इसके ऊपर रख देंगे। और ऐसा कमाल का बर्गर बना है ना, बच्चों को बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। काफ़ी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देख लें सारे बर्गर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी हो गई हैं, तो बस जी अब सेलिब्रेशन का टाइम है। ये आप देख भी सकते हैं बर्गर की शेप कितनी कमाल की आई है,
दिल कर रहा है बस फ़ौरन ही पकड़े और खा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई थी। तो अब कैसी लगी आपको आज की रेसिपीज़? होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।